तरह से भीफ जिहाद करने की कोशिश की गई है, कई सवाल खड़े होते हैं और उन सवालों का जवाब अब देना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबंधित गौमांस कैसे और क्यों बिक रहा है, कौन मदद कर रहा है इनको अंदर खाने ये सब चलाने की, इसकी सच्चाई जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। गौमांस सप्लायर अनीस कहाँ है, कैसे फरार हो गया अनीस, कहां गौमांस सप्लाई करता था, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति को तो सप्लाई नहीं करता था, सिर्फ शफीक और तंजीब को नहीं सप्लाई करता था, बल्कि और लोग हो सकते हैं, जो पूरा नेटवर्क इन्होंने खड़ा किया है उसको भेदना जरूरी है। गौमांस परोसने वाले क्या और भी होटल्स हैं जो ऐसे ही खिलवाड़ कर रहे हैं हिंदुओं की भावनाओं के साथ, क्योंकि सहिष्णु है हिंदू इसलिए उनके साथ इस तरह का खिलवाड़। अनीस को गौमांस कहां से मिलता था, क्या उसका कोई और बड़ा सप्लायर है जिसके जरिए उसे मिलता था, और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर ये छिपकर ऐसे पैसों की उगाही इस तरह से गौमांस परोसकर कर रहे हैं, क्या बिजनौर के दूसरे होटल्स में अब छानबीन हुई है, क्योंकि अब छानबीन की जरूरत आ पड़ी है। सलार होटल जिस तरह से परोस रहा था, ऐसे और भी होटल्स हो सकते हैं। बिजनौर के स्लॉटर हाउस की जांच पड़ताल क्या हुई है, क्योंकि अब जांच पड़ताल की जरूरत है। यहां पर भी हो सकता है कि कुछ अंदर खाने खेल चल रहा हो और योगी की पुलिस पहुंचेगी तो सच तो उगलना ही होगा। वहीं जिस तरह से ये मामला सामने आया इसको लेकर हिंदू धर्म गुरु गुस्सा में नाराज है, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं, सुनिए। तथा कथित अल्पसंख्यक वर्ग अब होटल जिहाद पर भी उतर आया है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां गोमांस विक्रय गो हत्या पर कड़े कानून हैं, अगर वहां धता बता करके और इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है तो यह माफी योग्य तो कतई नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर इस पे हिंदू विरोध न करे तो क्या करे, जिस गौ को हम माता मानते हैं उसको काट करके होटलों में खिलाना यह कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह कट्टरपंथियों की साजिश है, इसकी निष्पक्षता से जांच किया जाए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं धर्मगुरु, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर गौकशी करोगे तो खैर नहीं, यह हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, यह होता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में गौकशों पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। हापुड़ और अंबेडकर नगर में गौकशों से मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है, जहां हापुड़ में 4 गौकश पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, वहीं मुठभेड़ में 3 गौकश पुलिस की गोली से जख्मी भी हो गए हैं। अंबेडकर नगर के अलावा हापुड़ में भी देखिए एसओजी और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन यहां चलाया गया। हापुड़ के गौकशों से 2 तमंचे बाइक भी बरामद की गई है। हापुड़ में गौकशों से गौकशी के उपकरण भी मिले हैं। वहीं अंबेडकर नगर में भी पुलिस और गौकशों में मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। अंबेडकर नगर में 6 गौकश गिरफ्तार किए गए हैं, अलग अलग थानों से इन्हें दबोचा गया है, 6 गौ तस्करों को पकड़ा गया है। अंबेडकर नगर में गौकशों से तमंचे, 4 तमंचे, गौवंश भी बरामद किया गया है। तो हापुड़ और अंबेडकर नगर की हमने आपको जानकारी दी। हापुड़ में कैसे कार्रवाई हुई, चलिए तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मुठभेड़ हुई है यहां पर। जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंचती है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की पुलिस पहुंचती है और तुरंत एक्शन में जुट जाती है। ये देखिए मुठभेड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये रात की तस्वीरें हैं जब मुठभेड़ हुई, कुछ तस्करों को घायल कर किया गया। ये हापुड़ की आप सबसे पहले तस्वीर देख रहे हैं जहां कुछ तस्कर घायल हुए हैं। हापुड़ में आपको बताएं गौकशियों से 2 तमंचे भी मिले हैं और बाइक भी बरामद की गई है और 4 गौकश पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। वहीं 3 को गोली लगी है, तस्वीर उन्हीं 3 की आप देख रहे हैं जो चल नहीं पा रहे हैं, इनके पैर में गोली लगी क्योंकि मुठभेड़ के दौरान यह एक्शन लिया है योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने, जानकारी मिलते ही, क्योंकि गौ रक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ प्रतिबद्ध है। और चलिए अब अंबेडकर नगर की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, अंबेडकर नगर की तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। ये देखिए ये अंबेडकर नगर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर 6 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अंबेडकर नगर में भी 6 गौ तस्कर पकड़े गए हैं, इनके पास से तमंचे भी मिले हैं, 4 तमंचे, और गौवंश को भी बरामद किया गया। अलग अलग थाना इलाकों से इन्हें पकड़ा गया है, कुछ के पैर में गोली भी लगी क्योंकि यहां भी पुलिस और गौकशों में मुठभेड़ हुई है। तो अंबेडकर नगर और हापुड़ में कैसे एक्शन हुआ है ये नजीर है। बिजनौर से जो खबर सामने आई उस दौरान भी आपने देखा कि तुरंत एक्शन लिया गया, तुरंत एक्शन लिया गया है। तो 2 जिलों से अब तक 10 गौ तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं, क्योंकि ये क्लियर है कि एक्शन तय है और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, ये बिल्कुल क्लियर किया जा चुका है।
गौकशी अगर करेंगे तो योगी आदित्यनाथ छोड़ेंगे नहीं। और बिजनौर में मामला सामने आने के बाद हापुड़ और अंबेडकर नगर की तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से यहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में रडार पर हैं ये गौ तस्कर, इन्हें पकड़ा जा रहा है। और एसपी सिटी से भी हमने बात करने की, समझने की कोशिश की कि कैसे ये एक्शन बड़े स्तर पर लिया गया है, कहां कहां अंबेडकर नगर और हापुड़ में किस तरह से कार्रवाई हुई है, सुनिए। तीन बदमाशों को इसमें गोली लगी है, दो के पैर में और एक के हाथ में गोली लगी है, और पांचवा व्यक्ति जो है था वो भागने में सफल हो गया। इनके कब्जे से तमंचे, कारतूस, जानवर काटने के उपकरण, रस्सी और दो मोटरसाइकिल्स मिली हैं जिनके बारे में तस्दीक की जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास भी जानकारी में आया है, इनका लंबा आपराधिक इतिहास है, गोवध के मुकदमे पहले से इनके ऊपर पंजीकृत है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में इस प्रकार के अपराधियों का दमन करने में और उनको हतोत्साहित करने में पुलिस को मदद मिलेगी। ऑपरेशन प्रहरी के रूप में इन गो तस्करों की चेकिंग की जा रही थी। कुल 6 गो तस्कर, 2 बाल अपचारी गो तस्कर, 2 पिकअप गाड़ी, उनके पास से तमंचा, कारतूस और काटने के हथियार ये सब बरामद हुए हैं। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। तो इसके लिए कड़े प्रावधान भी उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। हम यूं ही नहीं कह रहे, जानकारी आपके सामने रख देते हैं कि क्या क्या फैसले अब तक लिए गए हैं गायों की रक्षा के लिए। देखिए, अभी गायों को लेकर योगी सरकार जो है, यूपी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध रही है, इसको लेकर फैसले भी बड़े किए गए। क्या क्या अब तक एक्शन हुआ है वो जानकारी हम आपके सामने दरअसल रख रहे हैं। प्लेट बदलेंगे हमें तो देखिए, अगली जानकारी है कि 2020 में योगी सरकार गौवंश संरक्षण कानून लाई थी, बाकायदा गौरक्षा के लिए कानून लाया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस कानून को उस वक्त मंजूरी दी थी और जून 2020 में ये यूपी गौवध निवारण बिल भी पास हुआ था। गौवध निवारण बिल भी 2020 में पास किया गया। गौहत्या, गौवंश को नुकसान पहुंचाने पर सख्त सजा का प्रावधान उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया। गाय को शारीरिक नुकसान पहुंचाने पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया। योगी सरकार ने गौवंश की जियो टैगिंग भी करवाई जिससे कि बेहतर तरीके से उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके, वो किस इलाके में गए हैं उसको लेकर भी कोशिश की गई। गौकशी, गौ संरक्षण और गौ सेवा पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, बड़े और कड़े फैसले लिए हैं और इसको लागू भी किया है। योगी सरकार अब तक कई बूचड़ खाने बंद करवा चुकी है। 2017 में जब सरकार आई थी तब भी बंद करवाए थे और 2021 में जब दोबारा वापसी हुई तब भी बंद कराए। गौ तस्करी, अवैध स्लॉटर हाउस पर रोक लगा रखी है उत्तर प्रदेश में और उसको लेकर कड़ाई बहुत बढ़ती जा रही है। औचक निरीक्षण हो जाते हैं कहीं भी। यूपी में गौ तस्करों को चिन्हित कर मुकदमे भी चलाए गए हैं, उन पर केसेस चलाए गए हैं। गौवंश को अंग भंग करने पर 1 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। गौवंश को अंग भंग करने पर 1 साल की सजा के साथ साथ 1 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ये कई दफा योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि गायों की रक्षा के लिए जान तक दे देंगे, उन्होंने ये बात क्लियर की है और उस पर वो एक्ट करते भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि गौ तस्कर, गौकशी करने वाले अगर गायों की रक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं तो एक्शन तुरंत होता है। बिजनौर, हापुड़ और अंबेडकर नगर महज उदाहरण है।